हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे टक्स ब्लाउज की नाप और कटिंग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं। लंबाई लेंगे दोस्तों यहाँ से 14.5, लंबाई लेंगे 14 साढ़े ले लिए दोस्त। शोल्डर लेंगे यहाँ से यहाँ तक 5.5, और दोस्तों यहाँ से लेंगे 2.5 का गला। दोस्तों आगे का गला है 7.5, यहाँ से इसको मिला लेंगे 2.5 यहाँ से भी लेके और यहाँ से यहाँ गले को निशान खींच लेंगे। बगल गोलाई है 5.5 दोस्तों, और यहाँ से छाती है 10 इंच दोस्तों। यहाँ पे बगल गोलाई से 2.5 निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए। दोस्तों यहाँ से बगल गोलाई से लेंगे उसका फिटिंग नाप कि इधर उधर झोल ना आए। यहाँ लेंगे फिटिंग उसका 8.5, और यहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और नीचे 1 इंच की गोलाई करेंगे दोस्तों, फिटिंग नाप करेंगे दोस्तों। यहाँ से शेप देंगे दोस्तों, यहाँ से शेप कि अरमोल का जो भाग है नीचे ऊपर इधर उधर झोल नहीं आएगा और एकदम पूरा फिटिंग से बैठ जाएगा। दोस्तों अब कमर ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक 9.5, दोस्तों 9.5 ले लिए। अब यहाँ से बगल गोलाई से नीचे कमर तक मिला लेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ 1.5 लिए और यहाँ से 1.5 ले लिए दोस्तों, और 1 और 1.5 को भी यहाँ से मिला लेंगे। ये पट्टी दोस्तों यहाँ से 2.5 और यहाँ से 3 का है योग पट्टी। यहाँ से इसका निशान खींच लेंगे दोस्तों, फिर इसको यहाँ से यहाँ निशान खींच के मिला देंगे। यहाँ से यहाँ योग पट्टी हो गया दोस्तों। दोस्तों अब इसकी गोलाई बना लेंगे योग पट्टी का यहाँ से यहाँ। दोस्तों अब टक्स के लिए यहाँ से यहाँ 4 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच के माने में भी 1/4 इंच का टैक्स ले लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ टैक्स को मिला लेंगे। मिला लिए दोस्तों, और फिर यहाँ से 1.5 इंच को नापेंगे। फिर यहाँ से 1.5 इंच ले लिए, नाप लिए, फिर यहाँ से टैक्स का निशान गले के पास से ले लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से दूसरा टैक्स हुआ, फिर यहाँ से तीसरा टैक्स 2 पे निशान लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से 2 पे निशान लगा लिए, और फिर यहाँ से इसको भी चीने को भी खींच लिए दोस्तों। अब इस टैक्स से और अरबूल के गोलाई से 2.5 ले लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया टक्स ब्लाउज का नाप। तो दोस्तों अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों कमर के यहाँ से इसका कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों
यहाँ से कटिंग हो गया, फिर यहाँ से 1.5 इंच के जो निशान लगाए फिर वहाँ से 1 इंच को बगल गोलाई में मिला देंगे, कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और जो अरमोल का फिटिंग नाप लिए हैं, अब वहाँ से जो नीचे 1 बढ़ाए हैं, अब वहाँ से उसकी गोलाई को कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, गोलाई को कटिंग कर रहे हैं। ये है दोस्तों कि झोल नहीं आएगा, एकदम पूरा फिटिंग बैठेगा अरमोल का गोलाई। देखिए दोस्तों, ये हमारा अरमोल भी की कटिंग हो गया। अब दोस्तों पीछे का भाग को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, पीछे का भाग भी हमने निकाल लिया। पीछे का भाग आप चाहे तो डिजाइन भी बना सकते हैं या गोल आगे गला। अब दोस्तों यहाँ से आगे की गला की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, आगे का भी गला का कटिंग यहाँ से यहाँ हो गया दोस्तों। दोस्तों अब इसको शेप को पूरा मिला लेंगे यहाँ से यहाँ गले का, हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक पट्टी को यहाँ से निकाल लेंगे आगे भाग से। दोस्तों यहाँ से वो पट्टी भी निकल गया। देखिए दोस्तों, दोस्तों ये हमारा हो गया टक्स ब्लाउज का कटिंग। देखिए दोस्तों, ये पीछे का पल्ला हो गया दोस्तों, और वो आगे का। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो